वो करोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा तुम्हारा 12th का रिजल्ट एज वेल। स्कूल इज गिविंग 5% फॉर द अटेंडेंस, सो आई बीन रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू कि सारा तुम्हारा रिजल्ट इज इन द हैंड्स ऑफ स्कूल नाउ, रादर इन योर ओन हैंड। स्कूल के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में है। योर नोटबुक्स, योर अटेंडेंस, ऑल आर इम्पोर्टेंट। सो ऑल आर बैक, कैन वी स्टार्ट द क्लास? नमन, मुस्तान, देवांश, गर्ग, खुशी, मोहित चौधरी, भव्या, नैतिक एंड कृष्णा एंड समृत। शैल वी स्टार्ट? ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू वेंट थ्रू द आर्टिकल्स? नमन, क्वेश्चन आपका था, यू शुड हैव वेंट थ्रू द आर्टिकल्स। डिड यू गो थ्रू द आर्टिकल्स? विच वन? वेट अ सेकंड, वन। ओके, लेट मी जस्ट ओपन इट अलोंग। जस्ट अ सेकेंड, ओके। कैन यू ऑल सी इट? यस मैम। नाउ I told you that it is very elaborative. We do not do this company law in detail, but when you pinpoint it, obviously then you will have to, not from your examination point of view, but yes, अपनी knowledge के लिए अगर आप सुनना चाहते हो तो it is very nice. Now these are certain restricted and certain prohibited words जो आप use नहीं कर सकते while you are getting your company registered. Just a second, students, let me just. Sorry. This is what I hate the most, going back and then coming back. Now, what is the reason behind this? Okay. Now, there are certain names, certain which you cannot use in a company. Now, remember, there is an act named Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950. Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950. So, now this act states ki what words jo is schedule mein, इस एक्ट के शेड्यूल में जो वर्ड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं वो वर्ड्स प्रोहिबिटेड हैं। आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम यू कैन नॉट यूज दोज वर्ड। सो आई विल रीड इट फॉर यू। द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी और अ फर्म विद एनी नेम और एम्बलम विच इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे यूएनओ, या इनके नाम या इनके एम्बलम या इनकी ऑफिशियल सील ऑल्सो यू कैन नॉट यूज इन द नेम ऑफ द कंपनी। यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूनाइटेड नेशंस,
एजुकेशनल साइंटिफिक दैट इज यूनेस्को यू कैन नॉट यूज इट, इंडियन नेशनल फ्लैग नहीं आप यूज कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्बलम या ऑफिशियल सील नहीं आप यूज कर सकते, और यू कैन नॉट इवन यूज द ऑफिशियल सील ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, यू कैन नॉट यूज द नेम ऑफ एनी स्टेट, यू कैन नॉट यूज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ये सब इंडिया भारत ये सब नहीं यूज कर सकते. नाउ as far as certain names are concerned like india bharat, for that you if you take the permission of a central government they can be used in the name of the company, but yes they need special procedure ki aapko ek aur step aa gaya aapki registration of a company, that is the permission from the central government. See if you read clause number 16 also, the names Ashoka Chakra, Dharm Chakra or the pictorial representation of the Ashoka Chakra as used in the Indian national flag or in the official seal or emblem of the government of India or any state government aap nahi use kar sakte. Name of the parliament or legislature of any state ya supreme court ka naam, central secretariat ka naam, you cannot use it. Ramakrishna Math, Ramakrishna Mission, ये सब के नाम आप नहीं यूज कर सकते, एंड इनके सिंबल्स भी नहीं यूज कर सकते, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ स्वैन फ्लोटिंग ऑन वाटर्स और विद अ लोटस इन द फोरग्राउंड राइजिंग सन इन द बैकग्राउंड, दिस कैन नॉट बी, इट इज लोटस इन द फोरग्राउंड एंड राइजिंग सन इन द बैकग्राउंड, दीज आर रामाकृष्ण मठ या रामाकृष्ण मिशन के आपके सिंबल्स हैं जो आप नहीं यूज कर सकते. शारदा मठ या रामाकृष्ण शारदा मिशन, इनके भी आप सिंबल्स नहीं यूज कर सकते. एंड एज फार एज माइक्रोमैक्स इन इज कंसर्न्ड, दैट रिप्रेजेंट्स इंडिया, येस इवन दैट इज एन इंडिकेशन टू द पीपल दैट इट वर्क्स फॉर द दिस बिकॉज दे आर ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज नाउ. इवन इफ यू सी मार्क्स एंड स्पेंसर, इफ यू गो टू देयर वेबसाइट्स, देयर तो वेबसाइट्स के पीछे इफ यू हैव माइट हैव नोटिस्ड, जब आप शॉपिंग करते हो द गर्ल्स माइट हैव सीन इट, और देर आर अदर वेबसाइट्स एज वेल, तो आपको यू लुक फॉर साइट्स विच हैव इन रिटन बिहाइंड देम सो दैट इट सिंबलाइजेस इंडिया, यस और नो, आर यू देयर ऑल इन द क्लास? यस मैम. तो दिस इज द मेन थिंग विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड, एंड अदर देन दिस I don't want to go with the India filings. Okay, block breeders I had read it, so I'll just go with this. अब discuss करने लगे हैं तो थोड़ा सा clauses और हैं, अब discuss कर लेते हैं. See, there were guidelines which were issued by the government of India. There has been an amendment to this in 2019, which states many other things. Just have a look. Wait a second. Okay, yeah. So, according to the recent guidelines which have been given by the government of India, Green Technology Limited, और अगर आप उसको नाम चेंज कर देते हो Greens Technology Limited and Greens Technologies Limited, that will be considered same. SM Computers Limited, SMS Computers Limited will be considered different. These are examples कि कहाँ पे name of the company जब आप register करा रहे हो that will be considered same and when it will be considered different. हाँ जी. So did anyone go through these articles? And moment class got over, I immediately switched on ki main, somebody asked this question in the class, I should immediately work it out. And you did not even bother to read anyone?
And it is a very interesting article. Will you go through it? समझ में नहीं आ रहा था. मगर समझ में सिर्फ नहीं, सिर्फ देखो, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कि हुअर अंड हमें कुछ लर्न नहीं करना. पहली चीज हमेशा याद रखना, जब आप एक्स्ट्रा रीडिंग करते हो, हमें यहाँ कुछ भी लर्न नहीं करना है. हमें सिर्फ अपनी नॉलेज थोड़ी सी एक्सपैंड करनी है कि गवर्नमेंट जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, उसका मतलब सी केमटेक लिमिटेड. अगर मैं एक कंपनी रजिस्टर कराती हूँ, केमटेक लिमिटेड, अब सिर्फ उसके पीछे से एच हटा देना, विल इट दोज टू कंपनीज नॉट सेम साउंड? ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल. फ्लिपकार्ट का एक सिंबल है. ओके, हाँ, फ्लिपकार्ट का मैं एग्जांपल बाद में दे दूँ. यू नो ऑल, कॉफी पीते हो सब लोग, स्टारबक्स. यस मैम. दिल्ली में एक किसी ने कॉफी के लिए आउटलेट खोला, विच वॉज नेम्ड एज सरदारबक्स. ऑलमोस्ट सुनने में सिमिलर लग रहा है या नहीं? स्टारबक्स, स्टारबक्स. हाँ मैम. So this is a C, and if you want to read, I will request all of you, please, weekend pe any Starbucks ka agar aap Starbucks ka agar ki one second there is now there is a मर्मेड सिंबल ऑफ स्टारबक्स. किसने देखा है वो ग्रीन कलर का, उसका एक सिंबल सा बना हुआ है जो उसका ट्रेडमार्क है. अभी सरदार बक्स जो है, विच ऑलमोस्ट साउंड सिमिलर लाइक स्टारबक्स, इट ट्राइड टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड विद द सेम नेम एंड इट वॉज डिनाइड. वाई? बिकॉज दैट इज द ट्रेडमार्क विच इज यूज बाई होम Already Starbucks. तो वो लोगों को कंफ्यूज करेगा कि हाँ भाई, ये शायद स्टारबक्स की ही ब्रांच है या आउटलेट है. सो दैट वॉज डिनाइड. इन द सिमिलर मैनर, फ्लिपकार्ट का जो सिंबल है, दैट वॉज यूज बाय अ ब्लॉगर, दैट वॉज ऑफ हैदराबाद, और उसने सेम सिंबल, सेम कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग वॉज यूटिलाइज सेम. अगैन इट वॉज फाइल्ड अ केस कि हाँ, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे फ्लिपकार्ट के लिए वो ब्लॉग्स वो पोस्ट कर रहा है. अगैन केस वॉज फाइल्ड. यू कैन नॉट यूज एनी वन ट्रेडमार्क्स. किसी नाम पे कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर आप उसी कंपनी पे यू से नाइकी, आप सिर्फ उसके टिकमार्क में हल्की सी चेंजेस कर दोगे तो क्या? इट इज वेरी इजी टू बिफूल द पीपल, इज इट नॉट? यस नैतिक भव्य, हम बहुत हम बहुत केयरफुली समटाइम्स वी डू नॉट सी द सिंबल्स और द ट्रेडमार्क्स ऑफ दीज कंपनीज. सो व्हाट डू दीज कंपनीज वांट? कि जब हमने बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट करके हमने अपने सिंबल्स बनाए हैं, वी डू नॉट परमिट एनी अदर कंपनी और एनी अदर फर्म टू यूज दीज सिंबल्स फॉर देयर प्रॉफिट. कोई वो सिमिलर सिंबल्स यूज करके अपने लिए प्रॉफिट कर रहा है. ओके, इफ यू टेक द सिंबल ऑफ हुंडई, there are two H is made, but actually if you see it very carefully, there are actually two men who are shaking hands. What do they show? That it is, one is the customer, one is the company, and jinhone apne aap mein ek deal sign ki hai that they have sold off the car. Do you want that this symbol can be, can you use a symbol? Okay, apna dimag lagao. This what is trademark? Intellectual, this is called intellectual property rights. जब आप शायद चैप्टर नंबर 8 करोगे, सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ है, वी हैव टू स्टडी, रीड अबाउट आईपीआर, रीड अबाउट इट, इट हैज वेरी इंटरेस्टिंग केसेस. नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इट सेज दैट इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल प्रॉपर्टी, योर लैंड, योर हाउस, वो प्रॉपर्टी नहीं प्रोटेक्ट कर रहा. वो कौन सी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर रहा है? विच हैज कम आउट ऑफ योर ओन क्रिएटिविटी, योर ओन माइंड्स. सो इट इज प्रोटेक्टिंग दोज राइट्स ऑफ योर्स, कि हमारी क्रिएटिविटी से हमने इसको क्रिएट किया है. व्हाई शुड एनीवन एल्स यूज इट? यस और नो? ओके, नाउ इफ यू सी मैकडॉनल्ड्स, उसकी एक टैगलाइन है, आई एम लविंग इट, कैन एनीवन यूज इट? नो.
किसी ने कलर कॉम्बिनेशन अपने पेटेंट कराए हुए हैं, किसी ने सॉरी पेटेंट इज विद द मशीनरी एंड ऑल, किसी ने अपने ट्रेडमार्क में इट इज द कलर कॉम्बिनेशन, किसी ने अपने सिंबल्स, किसी ने टैगलाइन, दीज ऑल. हाँ जी मैम. हाँ जी. सो दीज ऑल हैव बीन रजिस्टर्ड विद द कंपनीज. Now, in the similar manner, can you just look down, everyone? Give me a second, students. I'll just on it for you, and you can just have a look at this. Yes, did you all go through it? Open your phones and just go through it, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Just open this Mondac one article and just start reading about it. Thank you, ma'am. Did you get that article now? Yes, did you get that article? Yes, ma'am. अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सी साइड पे लिखा हुआ है दैट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी कैसी चीजों को सेम माना जाएगा, कैसी चीजों को डिफरेंट माना जाएगा, दैट इज इट. But it depends again on case to case as well. This is also a very nice article that is indiafilings.com. This is more detailed. Phonetic spellings, har cheez pe they have written on this. If you want to read this article, please go ahead. Any name that contains the word British India will not be allowed. See this. Vague or abbreviated names. When somebody asks me, I myself get so interested, I get in depth of it. So I start reading those articles. See this. This will be of help to you. The last paragraph. That names that require central government approval. So I think you can all read it. India, Bharat, or any other government authority. Second last line, Naman. सेकेंड लास्ट लाइन जहाँ यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया भारत या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर कोई भी आपने नाम वर्ड यूज करना है कॉरपोरेशन कुछ चीजों के लिए यू नीड टू हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल राइट. सो इंडिया फाइलिंग्स डॉट कॉम आई टैक्स यू टेक्स्ट यू इवन दिस टैक्स गुरु दैट इज दैट वॉज ऑल्सो नाइस आर्टिकल.
Now, anything else you want to ask about this name of the company? Anyone? Please read these articles, maybe. Sometimes you have to get your company registered someday, and then you have an idea ki kaisa hum kar sakte hain isko. So is Micromax in and Hindustan Unilever clear now, Naman? Okay. What is next now? Tomorrow, a link will be shared where it is an assessment of 50 questions where you'll have to mark all those MCQs. Before moving, I'll ask before revision, I just want to know any doubt to any of the student in this whole chapter. Let me take up your doubts today. Anyone, any doubt? Bhavya, Devansh, Khushi, Krishna, Mohit, Mustan, aapne to chapter nahi attend kiya, so I doubt. Naman, Nandana, Naitik and Samrit. Anyone? Kisi bhi topic mein, from sole proprietorship, I know it was a big chapter, and you will be getting almost 5 chapters in your half yearly. I have made the blueprint. I have given the syllabus to school also. Then I'm preparing it actually. I'll be forwarding them today. So ma'am, kab tak honge half yearly? 12th October se hai. So 12th October is the first half yearly. October 1st se lekar 10th tak we'll be doing revision. That is 1.5 week for revision. 12th October. Aur ma'am, fir wo term 1 bhi hoega? Aapke liye usko UT1 kaha jayega 11th ke liye. Baki school ke liye it will be half yearly. वो पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था बट आपका UT1 एक इट विल नॉट बी UT1 बट वन पेपर आई विल टेक आफ्टर 3 चैप्टर्स अ रिटन टेस्ट नाउ आस्क मी एनी डाउट टू एनीवन सो शुड आई कंटिन्यू विद द क्लास और आई गिव leave you for your preparation. Who said continue? Are naam Naman. Okay. Chalo aa jao Naman, your turn is first time. I know you people know this chapter now. I know those students who know this chapter very well. There is no question which I can ask you. You people know everything. Okay. हाँ जी मोहित बोलिए. नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा था आता है चैप्टर. मुझे पता है आता है. नंदना. But I doubt everyone knows or not. Yes, Nandana. Yes, ma'am. Okay, Nandana, the question goes to you. Mayank and Namit, both above 18 years of age, want to form a partnership with Ankit, aged 16 years. Is the formation of partnership firm valid? No, ma'am. Why? I'm 18 above should be there. So who cannot be a partner in this partnership firm? Ma'am, the one who is below 18. Mayank and Namit, they are 18 years of age. They can form partnership. And the other one? Ankit is 16. So yes, the ones who are 18 can form and the 16-year-old cannot. Can you form out any other arrangement for Ankit who is 16 years of age? Yes, ma'am. Yeah. क्या अरेंजमेंट कर सकते हो नो नंदना इज ट्राइंग मैम जस्ट अ सेकंड बुक से नहीं मिलेगा नंदना मैम आई डोंट हैव माय बुक अराउंड मी सोचो क्या हो सकता है अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ओनली ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ all the other partners. If the partners agree, सिर्फ उसको profit में से थोड़ा सा हिस्सा दिया जा सकता है. Clear? Yes, ma'am.
these questions, they are very, very important. Okay. Naitik. Yes, okay. Mercury Limited. Okay. Take it this. Climax India Private Limited was formed as a private company by a group of five friends. Their business has grown considerably over the years. Now they want to expand their business, and for this, they need more funds. I repeat, it is a private company, five friends, has grown considerably over the years. Now they want to expand their business. For this, they need more funds. They are planning to convert their company into a public company and raise more funds through issue of shares. Mention any five privileges. You have to guide these five friends whether it is better to continue as a private company or they can turn it into public. Batao. Mention any five privileges that the company will have to forego as a private company after conversion. कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हैं प्राइवेट कंपनी की जो उनको छोड़नी पड़ेंगी? नैतिक? प्राइवेट कंपनी वाले आपको डायरेक्टली बेटा कहीं से नहीं मिलेगा. दे आर कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नाउ. मैं बताऊं? नैतिक बता रहे हैं. आते हैं नैतिक को. अच्छा नैतिक, क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ, आप सिर्फ आंसर करना. नैतिक, हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी? बी क्विक इन आंसरिंग नैतिक, वी कैन नॉट वेस्ट आवर होल पीरियड ऑन वन क्वेश्चन. नैतिक? यस मैम. हाँ जी, फटाफट बोलो, प्राइवेट कंपनी के लिए कितने मेंबर्स हैं और पब्लिक के लिए कितने मेंबर्स हैं मिनिमम? मिनिमम प्राइवेट के 2. ओके. पब्लिक के लिए 7. और ऐसी कौन सी सबसे मेन डिफरेंसिंग पॉइंट है बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? सबसे मेन डिफरेंस. ओके मोहित, यस आंसर. मैम पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक में इशू कर सकती है और प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपनीज. नैतिक, उसके अलावा मूव टू द नेक्स्ट वन. मैम यस यस मैम, उन्हें वो पब्लिक कंपनी को सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है उसके लिए, जबकि प्राइवेट कंपनी जस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना जो प्रोसीजर है वो चालू कर सकती है. तो पब्लिक कंपनी के लिए 3 स्टेजेस हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ 2 स्टेजेस ही हैं. और वन मोर मैम, पब्लिक कंपनी को अपने शेयर से इशू करवाने के लिए वो परमिशन चाहिए रहती है जनरल दैट यू हैव ऑलरेडी सेड परमिशन से भी इज 3rd स्टेज मींस परमिशन एंड ऑल दैट इज डन. So, a public company needs 3 directors. A private limited can start its work with just 2 directors. Right? And the stage work is done. That is 3rd capital subscription stage. Okay. Can I have Devansh now? Devansh? Yes, ma'am. Okay. 3 friends, Ram, Shyam and Garvit, started a partnership business of manufacturing LED bulbs 3 years back. They entered only into a verbal agreement and did not get their firm registered. Recently, Shyam entered into a contract in the name of their firm without the knowledge of Ram and Garvit. Shyam entered into a contract aur dono baki dono ko pata bhi nahi hai, and also made personal profits. Ram and Garvit want to file a suit against Shyam in the court. Can they do so? Devansh, can they do so? Oh.
why they cannot do. Devansh, why they cannot file a case against Ram? Sham ke against case kyun nahi kar sakte Ram aur Garvit? Okay, Mustan. जब पार्टनरशिप किया था मुस्तान आपने यू वर अटेंडिंग द क्लासेस ओनली फॉर जेएससी यू वर नॉट देयर यस मुस्तान मुस्तान हाँ जी क्यों केस नहीं फाइल कर सकते ओ आई आंसर द क्वेश्चन दे कैन फाइल द केस और नॉट मुस्तान अब तो मैंने आंसर दे दिया तब भी व्हाई दे कैन नॉट बिकॉज दे डिड नॉट गेट देयर फॉर्म रजिस्टर्ड समरीत मर्करी समरीत मर्करी लिमिटेड इनवाइटेड जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स ऑफ 100 करोड़ थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफर द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर शेयर्स ऑफ 85 करोड़ कैन द कंपनी प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मैम व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 करोड़ No, ma'am. 90% minimum subscription. Okay. Yes, ma'am. Okay, you have to answer me true or false with reasons. Naman, in case of limited partnership, all the partners have limited liability. Naman. In case of limited liability partnership, all the partners have limited liability. Is the statement true or false? Give reasons. LLP mein sab partners ki limited liability hoti hai. So this statement is false. In an LLP, it is only one partner shall have an unlimited liability, whereas others have limited liability. Right? This is the concept of L, limited liability. सबकी liability जो होती है limited होती है सिर्फ एक जने की partnership में unlimited liability होती है हाँ मगर उसमें सारा burden कर्ता का है same almost same but that is a Hindu undivided family that's a family together here it is a partnership okay again same type of question true or false with reason liability of all the partners in a partnership firm is limited to the extent of their share only to the extent of their share that is only their liability in a partnership firm kisse pooch rahe ho open question to the class nahi no, unlimited hoti hai sab Unlimited liability, that means their personal assets are also liable in this case. In case of insufficiency of funds to pay the creditors or the pay the debts of the company, of the firm. Okay. Registration is compulsory in case of a cooperative society. True or false? True. Under which act? The Cooperative Society Act of 1912. That is nice. Even you remember the year. Okay. You have to tell me the clauses of a memorandum of association. Mein alag alag different clauses aapne padhe. I am just reading out. Ye kaun se clause ke under aayega? You have to tell me. It defines the purpose for which the company is formed. नैतिक अगर क्लॉज में इट डिफाइंस द पर्पस ऑफ द कंपनी व्हाट अंडर विच क्लॉज इट विल बी मेंशन्ड पर्पस बता रहा है ऑब्जेक्टिव बता रहा है विच क्लॉज नैतिक ऑब्जेक्ट क्लॉज समृद्ध According to this clause, members of the company are liable for the amount unpaid on the shares owned by them. Liability clause. Great. Next, it is Nandana. It contains the name of the company with which the company will be known. Nandana. Okay, Naman. It contains the name of the company with which the company will be known to the outsiders.
Naman? He's not there. Naman? Mustan? Yes, Naman. Mustan? Okay, Mohit? Ma'am, name clause. Name clause. Devansh. This clause is also known as domicile clause. Domicile clause kisko kehte hain? Iska dusra naam kya hai? Devansh. Registered office clause. Registered office clause. Ma'am, situation clause bhi bolte hain na? Yes. Okay, next it goes to Mustan. This clause specifies the authorized capital. Authorized capital. Kitni total authority hai capital ki? Total capital kitna raise kar sakte ho? Wo kaun se clause mein likha hoga? Okay, open question to the class. Capital clause. Okay. So Samrit. Samrit, are you listening? Yes, ma'am. Okay, I'll just read out. You have to tell me that in these cases, which will be the most suitable business organization? The business organization should have stability as well as continuity. Zyada continuous hona chahiye. And stable bhi rehne company. Chahiye. Very good. Okay, next. There should be minimum expense in starting the business. Yes, open question to the class. Sole proprietorship. Next, the business organization should be suitable from the point of view of investors. Investors ke point of view say it should be most suitable form. Company. Okay. Devansh, the ancestral property is to be used for doing the business. HUF. More funds and professional services are required. Funds bhi zyada chahiye, professional services bhi chahiye. What type of business organization? Company again. Yes, Simrit, you're definitely right in three of the answers which you gave. Ma'am, kya tha question? Kya tha? More funds or? Professional expertise chahiye. Okay, Mohit. Although company is an artificial person, it can still own property and enter into contracts. Give your answer. Separate legal entity. मैंने एक और चीज भी कराई थी, एक फीचर कराया था मैंने, सबसे पहले एक फीचर कराया था. सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. एक और सोचो. मैम क्वेश्चन एक बार बोल दिए वापस. Although company is an artificial person, it can still own property and enter into contract. It is an artificial person. It is created by law. It can have property in the name of the company only, and only they can enter into contract also in the name of the company. मैम दोनों सेम नहीं हुआ? आर्टिफिशियल सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस और आर्टिफिशियल पर्सन. सेपरेट लीगल एंटिटी में तो मैं ये कह रही हूँ कि द बिजनेस एंड द अदर पर्संस हु हैव ओपन्ड अप द बिजनेस, द शेयर होल्डर्स, दे आर डिफरेंट. तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी सेपरेट लीगल एंटिटी में सेव हो गई है. मतलब माय पर्सनल एसेट्स आर नॉट लायबल इन केस ऑफ डेथ्स टुमारो. डेथ्स विल बी पेड ऑफ ओनली फ्रॉम द company's business. That is separate legal entity. When I'm saying here artificial person, I mean to say that it is created by law. There is no body, no soul, no conscious. It cannot even breathe, eat, kuch bhi nahi. It's an artificial person.
जब भी जो भी काम कर रहे हैं अपने नाम पे, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप देखते हो तो उसमें वो द पर्सन कैन वर्क इन हिज ओन नेम, बट हियर व्हेन इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है या कोई भी कहीं से भी बोरो कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है या केसेस फाइल कर रहा है या the cases are filed against him, everything will be done in the name of the company. It is an artificial person. So here the answer was artificial person. Okay, last question for the class. Akshay, Vijay and Chandan are partners dealing in the sales of sports equipment. I repeat, three partners, Akshay, Vijay and Chandan are partners dealing in the sale of sports equipment. Akshay, without the knowledge of Vijay and Chandan, is also running the business of supplying sports equipment to a few sports clubs in which his son is a member. He is earning good profits from this business but did not inform Vijay and Chandan about this. Was Akshay correct in doing so? Now you have to tell me which values have been ignored by Akshay here. Open question. Mutual. Open question. मैं उसे बताना चाहिए था. बताना तो चाहिए था, अगर बताते तो. Mutual understanding. So here mutual the. Agency. नो नो, म्यूचुअल एजेंसी कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वैल्यू हम बता रहे हैं. विच वैल्यूज हैव बीन इग्नोर्ड बाय अक्षय, द वैल्यू विच इज मिसिंग हियर इज ऑनेस्टी. ही इज नॉट ऑनेस्ट विद हिज पार्टनर्स. अक्षय इज नॉट करेक्ट इन डूइंग सो. नो पार्टनर, आई विल टेल यू वन थिंग, पार्टनरशिप सेज दैट नो पार्टनर कैन कैरी आउट द सेम बिजनेस व्हाट द पार्टनरशिप फर्म इज कैरिंग आउट. अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ते भी हो, इवन आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन नॉट कैरी आउट द सेम टाइप ऑफ बिजनेस. मान लो आई विल रेफर टू अ केस, अ पार्टनरशिप फॉर्म वाज, आई हैड मैन्युफैक्चरिंग शूज एंड वन ऑफ द पार्टनर्स ही लीव्स इट एंड विद इन अ vicinity, within the same vicinity, he opens a shoe manufacturing outlet again. अब उसके पास तो सारे raw materials जो जहाँ पहली firm जहाँ से order करी थी, he has the numbers, he has the customers, he has the suppliers, he can make contracts with them. So it is a loss to the partnership firm. उसके लिए तो beneficial हो गया क्योंकि उसने यहाँ से पूरा अपना सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट मेन करे, अच्छे कस्टमर्स बना लिए, सारी लिस्ट ही टुक इट अलॉन्ग विद हिमसेल्फ, ही हैज द एंटायर डेटा ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. द पार्टनरशिप फर्म विल बी एट लॉस. सो द लॉ सेज यू व्हेन यू इवन लीव द पार्टनरशिप फर्म और इवन इफ यू आर डूइंग इन अ पार्टनरशिप फर्म, यू कैन नॉट कैरी ऑन द सेम बिजनेस व्हाट यू आर डूइंग विद पार्टनरशिप फर्म. वो तो पार्टनरशिप फर्म के साथ लॉस वाली बात है, डिसऑनेस्टी वाली बात है. आप उसकी इंफॉर्मेशन अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज करोगे. This is the reason for that. Okay. Devansh, Nara, Mustan, at least jitna padha hai, aap usko revise karo. Aur joint stock companies, at least revise karna shuru karo. Jo nahi samajh aata, please call karo. Mustan, if you're listening. Yes, ma'am. And Samrit, I say very, very nice. Naman has is thorough with chapter. Mohit is also thorough with chapter. नैतिक कहीं कहीं कंफ्यूज है, बट कंसेप्ट थोड़े से क्लियर भी हैं, कहीं कंफ्यूज है. इफ यू नैतिक, यू डू इट वंस मोर, रीड द एंटायर चैप्टर, पार्ट में रीड करना, डोंट कलेक्टिवली रीड द होल चैप्टर. अदरवाइज आई गिव यू एटलीस्ट 60-65% योर चैप्टर इज क्लियर, बट लिटिल यू नीड टू डू लिटिल मोर ऑल्सो. मुस्तान एंड दिवांश, even for you 65-70% is clear, but kahin kahin you get stuck up, so need to do more revision with it, the chapter. So wish you all the best. So there will be no link tomorrow, it will be direct Google form.
मैम क्लास के टाइम पे ही होगा ना? क्लास के टाइम पे ही होगा, लिंक उसी टाइम पे आएगा, और नहीं आया तो डरना मत, कोई बात नहीं, फिर आई डू समथिंग एल्स. समटाइम्स ऑल्दो आई हैव मेड एन अरेंजमेंट कि मैंने गूगल लिंक को अपने पास फॉरवर्ड करके रखा है, बट समटाइम्स इफ इट डजंट वर्क्स डोंट गेट पैनिक, तो रिलैक्स करके अपनी रिविजन शुरू कर देना, ठीक है? बट यस मैम, होपफुली इट विल नॉट बी डन, मगर सब सॉर्टेड आउट ही होगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस वीकेंड ऑल्सो अहेड. सो वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे नाउ. थैंक यू मैम. Thank you, everyone. Bye, everyone. Thanks, man. Bye, everyone.